Hydra Dynamo account ban. Dynamo gaming account ban. All right. Okay. So, ये तो 10 दिन गए guys पिछले, ठीक है? इसमें ऐसे ऐसे लोगों ने वीडियो बनाई जिनके पास सॉलिड प्रूफ तो था नहीं बिल्कुल भी, कि मतलब कोई सॉलिड प्रूफ नहीं कि यार सच में ये बैन हो गया है, 10 साल के लिए बैन हो गया है। कुछ कुछ लोग तो अपने वीडियो में ये तक डाल दिए कि 10 साल के लिए बैन हो गया, आप कभी इसको अकाउंट नहीं मिलेगा, पट से बैन, पट से हैकर। तो सही है, अच्छी बात है, लेकिन वो सुना है ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सो आप लोग के साथ यही सीन है, आप लोग लाइक 10 दिन मज़े मार लिए बट मेरा अकाउंट वापस आ चुका है। सो बस मैं आपको यही सलाह दूंगा कि नफ़रत मत फैलाओ, ठीक है? किसी को किसी के लिए क्या कहते हैं, इतना भी ये मत करो, इतना भी उसको गलत मत बताओ कि आखिर में चल के तुम खुद ही गलत साबित हो जाओ, ठीक है? बफर ओवरफ्लो के बारे में इतना पूरे दुनिया भर का ज्ञान फैल गया इन लोगों ने, विकिपीडिया तक चले गए कि बफर ओवरफ्लो ऐसा होता है, कोई इंजेक्ट करता है, कोई हैक करता है, कोई स्क्रिप्ट यूज़ करता है, इसने ये किया वो किया इसलिए इसका अकाउंट 10 साल के लिए बैन हो गया, इसको कभी अकाउंट नहीं मिलेगा, ये वो फलाना ढिमकाना। अरे भाई भाई भाई, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना यूट्यूब पे फेमस मैं मेरे खुद के गेम प्ले से नहीं हूँ, जितना यूट्यूब पे फेमस मैं मेरे खुद के डायलॉग से नहीं हूँ, उतना फेमस तुम लोगों ने मुझे कर दिया यूट्यूब पे। इतनी सारी वीडियो डाल दी मेरी, इतनी सारी वीडियो, मतलब ऐसा लगता है कि यार तुम्हारी ज़िंदगी में और कुछ काम नहीं है, मतलब तुम्हारी ज़िंदगी घूम फिर के बस मुझ पे ही आके रुक जाती है, एक डायनामो गेमिंग नाम पर ही आके रुक जाती है। चलो यार, लाइक मुझे तुम में से किसी से भी नफरत नहीं है, ठीक है? ना पहले थी प्रॉब्लम, ना आज प्रॉब्लम है, ठीक है? बस एक चीज़ कहूँगा, जितना चैनल तुम लोगों ने मेरा नाम यूज़ करके ग्रो कर लिया ना, जितने व्यूज़ ले लिए, जितने सब्सक्राइबर्स ले लिए, अच्छी बात है। ऐसा समझो कि तुमने तुम्हारी मेहनत की है और तुमको उसका फल मिला, ठीक है? ऐसा तुम समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को समझो। और अब से अपने चैनल पे अपना कंटेंट डालो, एक गेम प्ले डालो, अपना क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग डालो, या फिर लाइव स्ट्रीम करो, नए नए गेम्स की रिकॉर्डिंग डालो, जो भी चीज़ें तुम करना चाहते हो करो, ठीक है? ओके भाई लोग, जिंदा हूँ मैं, ठीक है? ऑलराइट, Hey, what is up guys? Welcome back to my channel everyone and I hope guys doing absolutely fine. तो भाई लोग कैसे हो? तो यार आज का ये वाला वीडियो, सो गाइज इन दिस वीडियो आई एम गोना शो यू, नो आई एम गोना टॉक यू, ओके आई एम गोना टॉक यू। सो गाइज यार तुमको पता होगा क्या चल रहा है इतने हफ्तों से, लगभग 2 से 20 दिन से कुछ ऐसा चल रहा है हमारे YouTube में, क्या बताओ तुम लोगों को, ठीक है? सो यार ये वीडियो ना मैं बनाना नहीं चाहता था, लिटरली बता रहा हूँ, मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे बनाना पड़ा यूट्यूब का हालत देख के। जी हाँ गाइज, मेरे पास इतना ऑडियंस है कि मैं आप लोगों को कुछ बता सकता हूँ, एंड कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो कि ये नेगेटिव चीज़ों को देख के वो पॉजिटिव वे में लेते हैं, ठीक है? एंड वो अपने चैनल पर, अपने जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अपलोड करते हैं, ठीक है? सो यार आज का ये वाला वीडियो फुल्ली बेस्ड होने वाला है उन लोगों के लिए, उन यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए जो कि अपने चैनल पे कंटेंट के नाम पे कचरा फैलाते हैं, ठीक है? सो यार फुल्ली बेस्ड होने वाला है उन लोगों के लिए, ठीक है? कह के लेंगे आज उनका, सो लेट्स गो। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यार वीडियो शुरू करने से पहले तुम लोगों में बता दूँ, तुम लोग अपने स्पीकर से अगर अभी अपने स्पीकर से मेरा ये आवाज़ सुन रहे हो तो तुम लोग प्लीज़ यार हेडफोन लगा लो, क्योंकि आगे चल के कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मेरा लैंग्वेज या फिर मेरा जो बात है वो आपको थोड़ा सा कड़वा लगे, या फिर आपके अगल बगल में अगर कोई बैठा हुआ है तो उनको कड़वा लगे, तो इससे अच्छा तुम लोग हेडफोन लगा लो, ठीक है? सो गाइस यार ये वीडियो ना फुल्ली वेस्ट उन लोगों के लिए है, तो यार तुम लोग भी सुनो, एंड वो लोग अगर मेरा ये वाला वीडियो देख रहे हो तो देखो यार, क्योंकि तुम लोग रो के अभी घर जाने वाले हो, ठीक है? मतलब जाने नहीं वाला हो, काटने वाला हो मेरे इस वीडियो को, ठीक है? सर पहले ही तुम लोगों को मैं बता दूँ तुम लोगों को मिलता क्या है। सर एक चीज़ तुम लोग ध्यान में रखना, ये जो यूट्यूब है ना, यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, जब भी
कोई बंदा, कोई क्रिएटर, कोई लड़का, कोई लड़की, व्हाटएवर, जो भी है, ठीक है, जब वो सक्सेस के आगे बढ़ता है, मतलब उसका चैनल ग्रो हो जाता है, ठीक है, तब क्या होता है जानते हो? हमारे YouTube का पॉलिटिक्स ही कुछ ऐसा है। हेटर्स लोग, जो कि मतलब क्या बताऊं तुम लोगों को, हेटर्स लोग जो है ना, वो अपने जिंदगी में कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, ठीक है, लेकिन उन लोगों को, वो लोग क्या करते हैं, जो लोग आगे बढ़ते हैं उनका पैर खींचने में उन लोगों को मतलब इतना ज़्यादा एंजॉय आता है, मुझे खुद भी नहीं पता उन लोगों को इतना ज़्यादा किस में, अरे यार इतना ज़्यादा टाइम अगर तुम उसके लाइफ में वेस्ट करोगे, वो आगे बढ़ रहा है कि नहीं, उसको छोड़ो तुम अपने ज़िंदगी को देखो, तो तुम लोग, तुम देखना कि तुम कितना सक्सेस कर जाओगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अगर सोचो जैसे कि फॉर एग्जांपल डायनामो का ही ले लो, ठीक है, तो डायनामो का अकाउंट जो था वो बफरिंग हुआ था, ठीक है, सो यार उसका अकाउंट हैक नहीं हुआ था एंड बैन भी नहीं हुआ था, भाई क्या बताओ तुम लोगों को, मतलब 10 साल के लिए बैंड, 8 साल के लिए बैंड, 1 साल के लिए बैंड, कोई कोई बंदा तो बोल रहा है कि भाई वो मतलब जिंदगी में ही नहीं खेले, मतलब उसका जिंदगी में भी उसका अकाउंट वापस नहीं आएगा, ठीक है। क्या होता है यार तुम लोगों, कुछ तो नॉलेज लगा लो, कुछ नॉलेज लगा लो यार। और उन लोगों को मैं बता दूं जो लोग उनके वीडियो पे जाके कमेंट कर रहे हैं कि भाई हाँ मैं तेरे बात पे एग्री करता हूँ एंड, हाँ ये सब बात मतलब कमेंट में लिख रहे हैं, तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कैसा कमेंट में लिख रहा था उन लोगों का। सो यार उन लोगों को बोल रहा है कि मैं तुम्हारे बात पे एग्री करता हूँ एंड मैं डायनामो का फैन था, बट अभी ये वीडियो देख के, मतलब तुम्हारा ये वाला वीडियो देख के मैं डायनामो का फैन नहीं हूँ अब से। कहाँ का फैन यार, तुम लोग झंड भी नहीं हो, लिटरली बता रहा हूँ, तुम लोग झंड भी नहीं हो, तुम लोग फैन तो दूर का बात, तुम लोग एफ भी नहीं हो उसका, ठीक है। मत जलो यार, मत जलो, ठीक है, कोई बंदा अगर सक्सेस करता है ना तो एक दिन में नहीं करता है भाई लोग। यार तुम लोग देखोगे, मतलब तुम लोग देख रहे हो डायनामो को कि वो 3 या फिर उनका उसका जो चैनल था वो 3 या फिर 4 महीनों में बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुआ एंड ग्रो हुआ, ठीक है, लेकिन तुम उसका 10 साल का मेहनत नहीं देख रहे हो। जी हाँ, यही तुम लोग देखने में गलत कर जाते हो एंड इसी नज़रिए को तुम्हारा जो नज़रा है, ठीक है, नज़र है वो तुमको बदलना होगा, ठीक है, क्योंकि यार तुमको पता नहीं होगा डायनामो का जब पहला चैनल था उसमें उसका 3 सब्सक्राइबर था, लिटरली 3 सब्सक्राइबर, ओके, वो उसका खुद का था एंड उसका फैमिली का था, मतलब उसका मम्मी एंड पापा, बस 3 सब्सक्राइबर, वो 3 सब्सक्राइबर से वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, ठीक है, एंड वो FPS गेम को बहुत ज़्यादा खेलता है, ये सब जो FPS गेम्स होता है, बैटल रॉयल गेम्स होता है, वो बहुत ज़्यादा खेलता था, ठीक है, तो इसके लिए इसका जो पबजी मोबाइल है ये उसके लिए ईजी है एंड वो उसमें प्रो बन चुका है, तो बस वही चीज़ है, हार्डवर्क। तो इसमें बहुत सारे बंदे, भाई वो ऐसा कैसे मार सकता है, उसका ऐसा रिएक्शन टाइम इतना बढ़िया कैसे हो सकता है, भाई वो हो सकता है, भाई उसका टैलेंट है उसमें। क्या यार तुम लोग भी यार, मतलब कुछ दिमाग लगाओ यार, हद होती है यार। और हाँ, तुम लोग जो ये कचरा फैला रहे हो, मतलब जो भी है तुम्हारे लिए वो कंटेंट होगा, तुम लोगों को क्या मिल जाएगा, 2 सब्सक्राइबर, 3 सब्सक्राइबर, 3 व्यूज। क्या हो जाएगा ऐसे, भीख मांग के सब्सक्राइबर क्या हो जाएगा, भीख, जी हाँ ये भीख का सब्सक्राइबर है, ये तुम्हारा रियल सब्सक्राइबर भी नहीं है। तुम अपने कंटेंट लाओ, अपना अकड़ दिख, अपना अकड़ नहीं, अपना कंटेंट लाओ, अपना कुछ दिखाओ, फिर ग्रो करो अपना चैनल, फिर मानूंगा कि नहीं भाई तुम में टैलेंट है एंड तुम में कुछ जज्बा है। ऐसे तुम उसका नाम लेके मिलियंस में व्यूज छाप रहे हो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोग तुमको थोड़े ना पहचानेगा, सोचो लोग तुमको नहीं पहचानेगा, लोग उसको ज़्यादा पहचानेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम अगर डायनामो को बोलोगे, तुमको पता होगा डायनामो को, अगर तुम सच्ची में, डायनामो पहले इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, जब से ये हैकर हैकर तुम लोग वीडियो बना रहे हो ना तब से ये ज़्यादा फेमस हो चुका है, ठीक है, तो इससे यार
समझो यार बात को, कोई अगर अपने लाइफ पे सक्सेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसको उसके हालत पे छोड़ दो। और क्यों यार उसका पाँव खींच के नीचे क्यों उतारते हो तुम लोग? अपना हाथ बढ़ाओ। हाँ एक चीज़ है, अगर तुम उसके उससे जलते हो, ठीक है वो एक ह्यूमन नेचर है, लोग किसी का सक्सेस देख के खुशी नहीं होता है, सब जलते ही हैं, ओके, लेकिन तुम जलते हो तो उसको इग्नोर मारो, लिटरली सीरियसली बात है, इग्नोर मारो तो उसको छोड़ यार, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। एंड यार वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। एंड उन लोगों को मेरे तरफ से सिर्फ एक ही मैसेज है कि भाई ठीक है जो कर लिया कर लो, जितना भी सब्सक्राइबर तुम लोगों ने गेन कर लिया बहुत बढ़िया, ठीक है, लेकिन अब से ये सब लफड़ा मत करो यूट्यूब में, अच्छे से ग्रो हो, अच्छे से अपना कंटेंट ला लो, बस यार तुम लोगों से यही कहना था। एंड जो यूट्यूबर्स न्यू आ रहे हो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ यार, इन सब लफड़ों में मत पड़ो, तुम अपना खुद का कंटेंट डालो, हो सकता है तुम्हारा चैनल बहुत देरी में ग्रो हो, एक साल दो साल लग जाए, लेकिन मेहनत करते जाओ यार, मेहनत का फल मिल जाएगा तुम लोगों को एक ना एक दिन, ठीक है। ये था आज का वीडियो, और तुमको ये वाला वीडियो पसंद आया वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लेना गाइज, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ हमेशा नहीं रह के आता रहता हूँ, मैं गेमिंग के रिलेटेड वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ, तो अगर तुमको गेमिंग में इंटरेस्ट है तो तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। देखते ही मुझको तुझसे प्यार हो गया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, लागनी में तू इतनी सोहनी लगती, लागनी में तू इतनी सोहनी लगती।